हमारे पास करनाल हरियाणा से मोहित कुमार शर्मा जी ने एक जो है प्रश्न किया हुआ है, जो कि सार्वजनीन है और वैश्विक है, सार्वकालिक भी है, अत्यंत उपयोगी है और मुख्य रूप से पंडितों के बहुत उपयोगी है। देखिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वे पूछ रहे हैं कि जीर्णोद्धार क्या है, चालन विधि क्या है, तथा अगर कोई मूर्ति मंदिर टूट गया है तो उसी मूर्ति को फिर कहीं दोबारा स्थापित किया जा सकता है, कि नया मंदिर बनवाया जाए तो नई ही मूर्ति लाना आवश्यक है, इत्यादि कई प्रश्न हैं। इससे संबंधित समस्त जिज्ञासाओं को और जो है संक्षिप्त में श्रवण करने की जो है विधि देखें। देखिए कि एक तो होता है जीर्णोद्धार, एक होता है चालन, एक होता है जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा, ये स्थिति है। तो जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा तथा चालन, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए कि ये मैं जो बोल रहा हूं, ये प्रतिष्ठा मयूख तथा प्रतिष्ठा मौक्तिकम, प्रभु विद्या प्रतिष्ठारणव और इससे होने वाले शास्त्रार्थ आदि से ये अपने वक्तव्य को, शास्त्रीय वक्तव्य को रख रहे हैं। देखिए कि प्रतिष्ठा की बड़ी महिमा है, शास्त्रों में भूमिका तो बहुत बड़ी है, शास्त्रों में प्रतिष्ठा की बड़ी महिमा है और विधि भी विशेष है। जो एक हुआ जीर्णोद्धार, एक हुई जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा तथा चालन, इनकी स्थिति अलग अलग बतला रहे थे। देखिए कि यदि मंदिर सही है और मूर्ति भंग हो गई है किसी कारणवशात, कोई ऐसा दुष्ट पदार्थ से स्पर्श हो गया है कि मूर्ति में से देवत्व चला गया है, अथवा वो मूर्ति किसी कारणवश अंग भंग हो गई है। अंग भंग भी तीन कारण बतलाए गए हैं, कि प्रधान अंग विच्छेदन हुआ है, कि मध्यमांग विच्छेदन हुआ है, या अधमांग माने कोई नख केश या आयुध आदि का भंग हुआ है, तो वो मूर्ति का उसी का संधान करके और उसी मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा हो जाती है, प्रोक्षण विधि इत्यादि करके उसी की पुनः प्रतिष्ठा हो जाती है, तब मूर्ति उखाड़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और मध्यमांग या उत्तमांग जैसे अंगुली इत्यादि, या जो है हस्त पाद ये चला जाए, या कोई वक्षस्थल उदर इत्यादि कंठ ये आदि भंग हो जाए, तो ये उत्तमांग कहे गए हैं। ऐसे भंग होने पर भी, तो मध्यमांग और उत्तमांग अंगों के भंग होने पर मूर्ति जो है हटाई जाएगी, इसको जीर्णोद्धार कहते हैं। तो जीर्णोद्धार पूर्वक जीर्णोद्धार हो जाएगा और पुनः प्रतिष्ठा होगी, तो वो वहां जो है नई मूर्ति ला करके स्थापित की जाएगी। तो उसका तो मूर्ति भंग हो गई तो उसका विसर्जन होगा, जीर्णोद्धार हो जाएगा और जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः नवीन प्रतिष्ठा होगी, नई मूर्ति लाएगी वैसे ही आकार प्रकार की। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि यदि जिस मूर्ति का जो है भंग हो जाता है, मूर्ति जो है खंडित हो जाती है, तो उस जगह पर उसी पदार्थ की और वैसी ही आकार प्रकार की उतनी ही लंबी चौड़ी मूर्ति ला करके स्थापित करनी चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे यहाँ मूर्ति छोटी है, हम इस मूर्ति को हटा करके बड़ी मूर्ति रखना चाहते हैं, हमारे यहाँ वो पत्थर की मूर्ति है वो सुंदर नहीं है, अब हम जो सुंदर करना चाहते हैं, ये सब कार्य अशास्त्रीय हैं। मूर्ति सबसे पहले तो वो जो भंग हुई है किसी कारणवशात,
तब ही उसका जो है वहां से जीर्णोद्धार होगा और नई मूर्ति लाई जाएगी, वैसी ही लाई जाएगी जैसी वहां जिस धातु की जिस पदार्थ की मूर्ति है वैसी ही ला करके स्थापित करनी चाहिए। ये है, इसको कहते जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा या पुनः नवीन प्रतिष्ठा। ये कब होती है? मुख्य रूप से वो मंदिर सही है और वो जो मूर्ति भंग हो गई है तब, और वही होगी उसी तरीके से होगी। एक होता है पूर्ण जीर्णोद्धार कहिए या जीर्णोद्धार कहिए कि मूर्ति भी भंग हो गई और वो मंदिर भी टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे कहीं बिजली पड़ गई, चोरों ने तोड़ दिया, हाथी पागल हाथी इत्यादि ने तोड़ दिया, या नदी के किनारे कोई ऐसी व्यवस्था बन गई कि उसने काट दिया मंदिर, कुछ और भी कई कारण हो सकते हैं, ऐसे कोई प्राकृतिक कोई कार्य हो जाते हैं या कोई देश विप्लव होता है, कोई ऐसे कार्य हैं, तो फिर वो जो है क्षतिग्रस्त मूर्ति की तो वो मंदिर नया बनवा करके और फिर वो पूरा का पूरा जीर्णोद्धार होता है। अथवा जीर्णोद्धार का एक दूसरा रूप ये भी है कि मंदिर जो है ध्वस्त हो गया है, मंदिर टूट गया है या जीर्ण हो गया है और मूर्ति सही है, तो उसका कहते हैं चालन, तब उसका चालन होता है। तो चालन जो प्रकार है वो समझिएगा कि मंदिर जीर्ण होने पर मूर्ति सही है तब जो है चालन किया जाता है, अथवा कि वो जो है पूरा गांव वहां से चला गया है, बहुत से गांव वीरान हो गए हैं तो वहां कोई मूर्ति है तब जो है उसको उसका चालन किया जाता है, या कोई दैवी आपत्ति आ गई कि नदी काटते काटते और उसके मंदिर के किनारे आ गई है, अब कुछ ही दिनों में ये जो है इसको जो गिराने वाली है, मंदिर मठ इत्यादि भी गिर जाएगा तब, या कोई बहुत नीचे चली गई है मूर्ति, कई जगह होता है कि वो जमीन मंदिर घर ऊंचे बन गए और वो मंदिर नीचा रह गया और इधर उधर का पानी उसमें जाने की संभावना है गंदा, तो फिर वो मूर्ति सही है मंदिर भी सही है तो फिर उसका चालन होगा, अन्यथा इस तरीके से चालन नहीं किया जाता है कि मनमानी तरीके से अभी यहां मंदिर था ये छोटा है अब हटा करके चलो वहां बनाएंगे वहां बड़ा बनाएंगे, या मंदिर की अब जो है तोड़ दो जगह बनाना है, या यहाँ जो है सरकारी अड्डा बनाना है, RSS का अड्डा बनाना है, मंदिरों को तोड़ दो, ये जो है बनारस में चल रहा है, कई सरकारी पंडित भी उसका सहयोग कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, वे सब जो समझ लो कि वो धर्म का सत्यानाश करने वाले हैं, जिनको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो लोग कहते हैं कि हम तो भाई यहाँ के रहने वाले हैं, हम ये हैं, वो कुछ भी नहीं है भाई, सब जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। हमसे एक जो है विद्यार्थी आया, एक पंडित ही थे, और वो जो है हम कुछ कार्य कर रहे थे तो वहां बोले कि भाई अरे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ रखा जाएगा, ये तुमने ऐसे रख दिया। मैंने कहाँ से आए हो? कि भाई हम बनारस से आए। बनारस से आए तो क्या हो गया, बनारस में क्या गधे नहीं रहते? भाई गधे बनारस में भी रहते हैं, सुअर भी बनारस में रहते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी रहते हैं, इसमें कोई बनारस से आने से क्या बात हो गई भाई? ये शास्त्र की, शास्त्र जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। ये कहाँ प्रमाण लिखा है बोलिए आप कि ये कार्य आप कह रहे हैं ऐसे होगा? हाँ वो तो पता नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं। अरे तुम करते हो, तुम्हारे करने से क्या हो गया? तो कोई व्यक्ति प्रमाणित तो नहीं है, हमारे यहाँ प्रमाण शास्त्रों का ही दिया जाता है, शास्त्र ही प्रमाणित है। तो इस तरीके से कई लोग, ये जो लोगों का ये आजकल जो बनारस का जो ध्वंस हो रहा है, ये तो आपको पता ही है, मंदिरों को तोड़ करके वहां बैठक बनाई जा रही है, स्थान बनाया जा रहा है, प्राचीन जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ तोड़ करके कुछ मूर्तियों को तो गंगा जी में फेंक दिया, कुछ को कबाड़े में डाल दिया, कुछ को नाम कुछ पंडित नामधारी लोगों के द्वारा हटवा करके और कहीं अन्यत्र जो है उनको चिपकवा दिया दीवारों पर, या छोटे मोटे मंदिर बना के वहां रखवा दिया गया और वो जगह अपना बना करके जो है विस्तार कर दिया। इसके ऊपर तो धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री महाराज जी ने पहले ही लिख चुके थे कि जब इसमें कांग्रेस के द्वारा लोगों के मना, धर्म सम्राट के मना करने पर भी, और उसमें दलितों को शूद्रों को जूते पहन करके भी मंदिर में प्रवेश करवा दिया गया था, तब धर्म सम्राट ने वक्तव्य दिया था वहां जो है ज्ञान वापी में सभा करके, बड़ी विशाल जो है सभा एकत्रित हुई थी, और कई बार कहा था कि अभी भी इसका स्पर्श हो गया है तो इसका जो है ये लिंग बदल करके, इसका जीर्णोद्धार करके पुनः जो है प्रतिष्ठा की जाए, क्योंकि जो मूर्ति
किसी देवता के द्वारा या जो है स्वयंभू या किसी महापुरुष के द्वारा या किसी महान राजा या किसी राक्षस के द्वारा भी, श्रेष्ठ राक्षस के द्वारा भी स्थापित है, उन मूर्तियों में जो है वो ये दोष नहीं लगता है कि किसी ने स्पर्श कर दिया या जो है उनमें से देवत्व नहीं जाता है। थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होने पर भी वो सदा पूज्य ही होते हैं, तो उनमें प्रोक्षण विधि कर दी जाती है, पूजित कर दिए जाते हैं। तब धर्म सम्राट ने कहा, ये जो लिंग है ये जो है पूर्ण रूप से ज्योतिर्लिंग तो है नहीं, क्योंकि कई बार मुगलों ने हटा दिया, हिंदुओं ने फिर उसकी स्थापना की और भी कई कुचक्र चलते रहे हैं। वर्तमान में ये जो है ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, तो इसको हटा करके हम नवीन प्रतिष्ठा करते हैं और इसी में जो है यही सब लोग पूजन करेंगे और सब लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे, केवल जो इसके अधिकृत जो पुजारी हैं वही पूजन करें। और यहाँ के जो काशी राज हैं, काशी के राजा हैं, वे भी बाहर से ही दर्शन करें और दलित लोग भी बाहर से दर्शन करें। लेकिन ये बात सरकार ने नहीं मानी, वो जो दलित क्रांति ये जो सब वोट बैंक बनाने के लिए उन सबको प्रवेश करा दिया गया। लिहाजा धर्म सम्राट ने फिर मीर घाट पर नए विश्वनाथ की स्थापना की कि काशी विश्वनाथ से विहीन न हो इस दृष्टि से, और नवीन विश्वनाथ उस पर लिखा हुआ प्राइवेट मंदिर, इसमें केवल पुजारी ही जाते हैं और विधिवत पूजा और विधिवत कार्य होते हैं। बहुत से लोगों को भी ये पता नहीं है जो बनारस में भी रहते हैं। हम लोग जो है बनारस में गए, हमने पूछा भैया नवीन विश्वनाथ कहाँ है, तो बतला दिया कि BHU में है, वो भी यही है, उनमें क्या अंतर है। पर ये जो है मुख्य रूप से अगर किसी सनातन धर्म प्रेमी को और जो है बनारस में जाकर के विश्वनाथ का दर्शन करना है तो मीर घाट पर धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पाती जी महाराज के द्वारा स्थापित वो जो है शिवलिंग है वही विश्वनाथ है। वर्तमान में विश्वनाथ उन्हीं में प्रतिष्ठित है। और इस तरीके से मर्यादा विहीन, आचार विहीन, शास्त्र दृष्टि से विहीन, जो चालन वालन कर दिया जाता है, सभी को प्रवेश करवा दिया जाता है, उन मंदिरों में उन मूर्तियों में देवत्व नहीं रहता। प्रतिष्ठा मौक्तिकम में लिखा हुआ है कि ऐसे मंदिरों में ऐसी मूर्तियों में प्रेत निवास करते हैं और वे ही पूजा ग्रहण करते हैं और छोटे मोटे इच्छित फलों को भी वो देते रहते ताकि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे और वो पूजते रहें। कलयुग में ऐसे मंदिर बहुत हैं, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना है। तो क्या बतला रहा था कि ये चालन कब करना है, जब कोई दैवीय आपत्ति हो, प्राकृतिक आपत्ति हो या कोई जो है सामाजिक कोई बड़ा भारी संकट हो, तब मूर्ति का चालन या मूर्ति ही जो है खंडित हो गई हो तब ही चालन होता है, अन्यथा वो ऐसे चालन नहीं होता है। चालन की पद्धति है, देखिए मूर्ति सही है तो मूर्ति में प्राण है और मंदिर सही है तो मंदिर की भी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान देना, जब प्रतिष्ठा होती है तो कई चीजों की प्रतिष्ठा होती है। ये जो है मूर्ति की तो प्रतिष्ठा होती ही है, स्थिर प्रतिष्ठा यदि मूर्ति की हो रही है तो वैसी ही एक चल प्रतिमा की होगी जो प्रादेश मात्र की हो रहेगी या धातु की रहेगी, कुछ बड़ी रहेगी भले पर वो चल रहेगी। जैसे कोई उत्सव करना है, बाहर ले जाना है, सुलाना है, नित्य स्नान करना है या कोई और कार्य कराना है तो वो चल विग्रह का होगा और वो स्थिर विग्रह वहीं स्थापित रहेंगे जो दर्शनीय रहते हैं और उनकी भी विधिवत पूजा होती है। तो दो विग्रह हो गए, इसी तरीके से प्रासाद उस मंदिर की भी प्रतिष्ठा होती बिल्कुल सब अंग मान करके कि भाई ये मुख है, ये खिड़की ये है, ये दायना पार्श्व है, ये बाम पार्श्व है, ये नेत्र है इत्यादि सब मान करके वो शिखर तक, वो शिखर इसका सिर है, सब का जो है प्रतिष्ठा होती है और उस ध्वज की प्रतिष्ठा होती है। वहां ध्वज लगाया जाता, शिखर के ऊपर ध्वज लगाया जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जो वहां कलश लगाया जाता है शिखर के ऊपर, कलश, उस कलश की प्रतिष्ठा होती है। जिस देवता का मंदिर है उसी देवता के रूप में उस शिखर की प्रतिष्ठा होगी, उसी देवता के रूप में प्रासाद की प्रतिष्ठा होगी, उसी देवता के रूप में ध्वज की प्रतिष्ठा होगी, उसी देवता के रूप में उस ऊपर रखे हुए शिखर के ऊपर कलश की प्रतिष्ठा होगी। तो ये भी अधिकारी भेद से दर्शन से फल प्राप्त हो जाता। शूद्र आदि या जो अपवित्र हैं या जो मंदिर में प्रवेश करने के अनधिकारी हैं, वे लोग दूर से ही शिखर का दर्शन कर लें, ध्वज का दर्शन कर लें तो वही फल प्राप्त हो जाता है। देखिए फल, और जो अधिकारी हैं वे स्नान करें, स्नान करके अपनी संध्या इत्यादि पूजन करके और तब देवता का दर्शन करें, वहां साष्टांग प्रणाम करें लौट करके, तब उन्हें उस फल की प्राप्ति होगी। और जो अनधिकृत लोग हैं वे लोगों को वही फल
बाहर से केवल भावना से अपने जो है जूता चप्पल इत्यादि पादुकाओं को उतार करके और सिर झुका करके भावना से प्रणाम कर लेते हैं शिखर को देख करके, ध्वज को देख करके और जो है शिखर के कलश को देख करके, तो वही फल प्राप्त हो जाता है। तो फल में कोई कमी नहीं है, ये बात हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार कही गई है। तो जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा और चालन, तो चालन जब होता है, इसमें एक बात और बतला दें कि चालन में देवत्व रहता है, तो देवताओं के प्राणों को निकाला जाता है। यह पद्धति प्रतिष्ठा मौक्तिकम में पीछे प्रशिष्ट में दी गई है, बड़ी विधिवत तरीके से दी गई है कि जैसे हम जो है न्यास करते हैं, जब प्रतिष्ठा होती है तो तत्वों का न्यास होता है, बहुत तरीके सोढ़ा न्यास, बहुत तरीके के न्यास होते हैं, उन चीजों को प्राणों को उनमें स्थापित किया जाता मंत्रों के द्वारा। तो जिन मंत्रों के द्वारा उनमें जो है प्राणों की तत्वों की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार उनसे जो है निकाले जाते हैं। तो मंदिर में जो पिंडिका होती है, जिस पिंडिका के ऊपर देवता लगे बैठे होते हैं, वो पिंडिका उस देवता की शक्ति मानी जाती है। तो पिंडिका में से भी तत्व निकाले जाते हैं और देवता में से भी निकाले जाते हैं, मंदिर में से भी निकाले जाते हैं, शिखर में से, ध्वज में से, सब में से जो है प्राणों को निकाल करके अलग अलग, किसी को कलश में, किसी को छुरिका में, किसी को जो है उनके देवता से संबंधित आयुधों में रख करके, और फिर उन मूर्तियों को जो है वो प्राणों को ले जाकर एक जगह सुरक्षित करते हैं, कलश इत्यादि गंगा जल में निकाल लेते हैं और उनकी पूजा होती है। यदि मूर्ति सुरक्षित है तो उस मूर्ति को भी निकाल करके और एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और उनकी विधिवत पूजा चलती रहती है। तब तक उस स्थान पर उस मंदिर को हटा करके जो जीर्ण हो गया है वह दोबारा वहां प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, मंदिर नहीं बन जाता जब तक। तो वो मंदिर बन जाए इसमें समय लगेगा, अथवा कोई अन्यत्र बनाना है या कोई और जगह बनाना है मंदिर को, जो वो जगह अगर नदी इत्यादि से कट गई है या कोई ऐसी जगह भी खराब हो गई है, तो किसी सुरक्षित जगह पर, दूर स्थान पर वहां मंदिर प्रासाद बना दिया जाता है, या उसी जगह पर मंदिर जीर्ण हो गया तो टूट के वहीं बनाना है तो वहीं उसकी प्रतिष्ठा के लिए मंदिर बना दिया जाता है। फिर उन्हीं मूर्तियों की जो क्षतिग्रस्त नहीं है, सही है, तो उन्हीं मूर्तियों की उसी जगह पर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसी कलश में से, उसी आयुधों में से, उसी छुरिका में से वो प्राणों को निकाल करके पुनः स्थापित कर दिया जाता है और विधिवत फिर पूजा चलती है। ये शास्त्र का निर्देश है। तो इस तरीके से मनमानी ढंग से जो अगर जीर्णोद्धार करना, मनमानी ढंग से जीर्णोद्धार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा करना और मनमानी ढंग से यदि चालन करना, ये सब अपराध हैं। ये कोई शास्त्र में बतलाए गए विशेष कोई कारण बने तब ही ये कार्य करना चाहिए, अन्यथा जो ये कार्य करते उन पंडितों को, उन यजमानों को और वहां के निवासियों को, यहां तक लिखा हुआ है ये पूरे राष्ट्र में अन्नहीना दहेत राष्ट्रम, वो जो प्रतिष्ठा होती है उसमें कोई क्षति हो जाए मंत्रों की, विधि की, वस्तुओं की, तो वो जो है मंत्रों की यदि त्रुटि होती है तो ब्राह्मणों पर, ऋतुजों पर, और श्रद्धा की और जो है धन की कमी होती है तो वो जो है यजमान, यजमान पत्नी पर, और उसमें कोई द्रव्य का अभिविधि का प्रयोग होता है तो वो समस्त राष्ट्र को हानिकारक होती है प्रतिष्ठा। इसलिए नास्ति प्रतिष्ठा समो रिपुः, ये कहा गया है प्रतिष्ठा के जैसा कोई शत्रु नहीं है और प्रतिष्ठा जैसा कोई मित्र नहीं है। मित्र तभी है जब वो विधि का पालन पूर्वक पूरा कार्य किया जाए। अविधि पूर्वक किया गया कार्य वो जो है शत्रु के समान होता है। वो जो करता है, उसका जो करवाता है, जो देखते हैं, सहयोगी होते हैं, जो उसमें रहते हैं, उस देश में रहते हैं, उन सभी का नाश कर देती है। इसलिए ध्यान देना कि विधिवत ही कार्य होना चाहिए। किसी लोभ के कारण, किसी राजा के कहने पर, किसी व्यक्ति के कहने पर, किसी नेता के कहने पर या किसी जन समुदाय के कहने पर, लोभ लालच से कि ये जगह निकली आएगी या मूर्ति बहुत दिनों से रखी हुई हटा दो अब जो है, या और सुंदर ला करके बनाएंगे तो उस देवता का अपमान कर दिया आपने, और जो वहां देवता बैठे थे, जैसे बनारस में हो रहा है आप देखिएगा, अगर आप पक्षवान विहीन है ना, पक्षपात रहित तो होकर के शास्त्र दृष्टि से देखेंगे तो आपको स्पष्ट अपराध नजर आएगा कि ये जो है चोंडी रोड के जो है प्रदर्शन में, ये जो बड़े अड्डे बनाने के चक्कर में, लोगों को गाड़ी सहित वहां जाने के चक्कर में, जो मंदिरों का जो है
विनाश कर दिया गया है, ये अपराध है। ये जो है कौन मंदिर हटाया जाता है कौन नहीं हटाया जाता है, जो प्राचीन पौराणिक और जो पुराणों में कहे गए जो मंदिर हैं उनका कभी भी इस तरीके से बिना आपत्ति के बिना कोई विशेष परिस्थिति के कभी चालन करना ये जो है अपराध ही है, इसलिए ये नहीं किया जाता है। और आपने जो पंडित जी पूछा था प्रश्न कि उन मूर्तियों की स्थापना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये शास्त्रों में वर्णित है। अगर मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है मंदिर क्षतिग्रस्त है तो उन्हीं की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ठीक है जी, हर हर महादेव।